टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी शारदा वसुधा के साथ, जो प्रिशा से पूछती नजर आएंगी कि तुमने रुद्र से बातचीत की। प्रिशा कहेगी कि नहीं, वो सनी के साथ इतना बिजी है कि मुझे मौका ही नहीं मिला। वसुधा कहेगी कि मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। शारदा भी उसे सपोर्ट करती है और कहती है कि हाँ, तुम्हें खाना देने के बहाने उसका ख्याल रखना चाहिए और तुम्हें ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहिए। शारदा कहती है प्रिशा से कि रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में है क्योंकि तुम्हें ही उसे कन्विंस करना होगा। प्रिशा इन दोनों की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। वसुधा कहती है शारदा से, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ भी होगा। उधर रुद्र रीमा को कॉल करता है लेकिन वो डिस्कनेक्ट कर देती है प्रिशा को देखकर। प्रिशा कहती है रुद्राक्ष से कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, लेकिन रुद्र खाने से मना कर देता है और कहता है कि रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। प्रिशा कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। रुद्र कहता है कि लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुमने उस वक्त मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा जब तुमने अपने प्लान में युवराज को शामिल किया था और तुमने मेरी माँ और भाई को इंसल्ट करने की कोशिश की थी। तुम्हारा इस तरीके का बिहेव अब हो चुका है कि अब कुछ भी नहीं हम हो सकता हमारे बीच। तभी वो कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो और मुझे इस नई प्रिशा को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना जो हमेशा मेरी फैमिली को खराब करना चाहती है। साथ ही रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हें गोवा सिर्फ और सिर्फ शारदा माँ की वजह से लाया हूँ क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम वहाँ पर अकेली पड़ी रहो, और वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। और ये कहकर वो रूम छोड़कर चला जाता है। प्रिशा बाहर जाएगी और खाने की प्लेट लेकर के वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो कहती है कि पता नहीं रुद्र को क्या हुआ है, मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं सही हूँ और सुलोचना कभी गलत। तभी युवराज नोटिस करता है प्रिशा रो रही है, वो स्माइल करता है और सोचता है कि चलो प्लान काम कर गया। तभी सारांश आता है और प्रिशा के हाथ से खाने की प्लेट ले लेता है और उससे कहता है कि रुद्र ने नहीं खाया तो मैं खा लेता हूँ। प्रिशा यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो सनी को लंच के लिए लेकर जाएगी। और उधर रुद्राक्ष सोचता है कि रीमा से बात करने के बाद वो प्रिशा को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो फ़ोन पिक ही नहीं करती। उधर सुलोचना काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है ये सोचकर कि आखिर मैं कबीर को गोवा में ढूंढूंगी कैसे। युवराज कहता है कि मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारा जो प्लान है वो काम कर रहा है और उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से अब ब्लास्ट होगा। रुद्राक्ष यहाँ पर सनी से सवाल पूछता है, कहता है कि मुझे तो सच बता दे कि आखिर कौन है तेरी माँ, उसका नाम क्या है। तभी सनी कहता है कि अगर मैं सबको सच बता दूँ तो। तभी कमरे में प्रिशा आ जाती है और उसे कहती है कि सच, कौन सा सच, आखिर ये कौन से सच की बात कर रहे हो तुम दोनों। सनी कहता है कि मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ कि रुद्राक्ष मेरा पापा है, और वो उसे हग कर लेता है। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो कहता है सनी कि हाँ, रुद्राक्ष मेरे पापा जैसा ही है क्योंकि वो मुझे अपने बेटे के जैसा ही ट्रीट करता है। रुद्राक्ष ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होता है और सनी से कहता है कि चलो अब हम गोवा चलते हैं और तुम्हें भी पैकिंग करनी होगी। उधर गोवा में सुलोचना कहेगी रुद्राक्ष से कि अब हमें कुछ भी करके कबीर को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। उधर मिश्का कहती है कि अहाना दी ने तो फ़ोन ही ऑफ कर रखा है, वो नहीं चाहती कि उन्हें कोई कॉल भी करे। उधर रुद्राक्ष का जो इन्वेस्टिगेटर है वो बताता है कि अहाना और कबीर गोवा में हैं और उन्हें कन्विंस करके वो वापस ला सकते हैं। रुद्राक्ष तभी कबीर को देखता है, कबीर भी रुद्र को देख लेता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तभी रुद्राक्ष को देख करके कबीर इन्फॉर्म करता है अहाना को और कहता है कि चलो रुद्र यहाँ पर आ गया है और हम यहाँ से भाग चलते हैं, और वो दोनों भाग जाते हैं। रुद्र सोचता है कि ये दोनों भला मुझे देख के क्यों भाग रहे हैं, क्या इन्हें घर वापस नहीं आना। उधर सनी कहता है रुद्राक्ष से कि आप मुझे स्विमिंग पूल में ले चलिए, मुझे स्विमिंग सिखाइए। तभी सोनिया कहती है कि रुद्राक्ष मुझे भी स्विमिंग करनी है लेकिन मुझे आती नहीं है। रुद्राक्ष सारांश को भी अपने साथ ले जाता है और सब स्विमिंग पूल में होते हैं। यहाँ पर सारांश और सनी खेलने लगते हैं एक दूसरे के साथ स्विमिंग पूल में। तभी सुलोचना कहती है अहाना और कबीर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है। सोनिया यहाँ पर रुद्राक्ष के करीब होने की कोशिश करेगी स्विमिंग पूल में, और तभी वहाँ पर प्रिशा आ जाती है। उधर दिखाया जाएगा कि सारांश भी कहता है प्रिशा से कि आप भी मामा स्विमिंग पूल में आ जाओ। प्रिशा कहेगी कि नहीं, तुम लोग इन्जॉय करो, मुझे स्विमिंग नहीं आती। लेकिन जैसे ही रुद्राक्ष कहेगा कि तुम भी आ सकती हो स्विमिंग पूल में, तो सारांश जोर डालेगा और कहेगा कि आप भी आ जाइए, रुद्र आपको स्विमिंग करना सिखा देगा। प्रिशा की बात सुनकर सारांश की बात सुनकर मान जाता है रुद्राक्ष, स्विमिंग सिखाने के लिए राज़ी हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रिशा सोनिया को उसके करीब देखती है उसे बुरा लगता है और वो जेलस हो जाती है। यही हो जाएगा शुरुआत के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर कब पता चलता है रुद्राक्ष का सच घर वालों के आगे। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।